हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट हैं, तो हम उनसे उनका नाम जान लेते हैं और उनको ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है उनसे वो उसके बारे में पूछ लेते हैं। हेलो मैडम। हेलो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिना खान है। और आपको ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? आज सर मेरा 8th डे है। ओके, तो आपको किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है? मुझे सर प्रॉब्लम आती है गेट चेंज करने में। और बाकी और थोड़ा गाड़ी से रिलेटेड है कि मुझे क्लच और ब्रेक का थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है ना। तो मैं आपको सबसे पहले गियर वगैरह के बारे में बता देता हूँ, है ना? ठीक है सर। तो अपनी गाड़ी में आगे के 5 गियर्स हैं और एक पीछे का गियर है, रिवर्स गियर है ना। जो ये बीच की लाइन होती है, न्यूट्रल लेन होती है अपने, है ना? ठीक है। 5 गियर्स आगे के हैं, एक गियर रिवर्स है, बीच की लाइन ये न्यूट्रल लेन है। तो जैसे आप क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ लेफ्ट करके और आगे। हाँ, ये फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड लगाओ लेफ्ट करके और पीछे। ये आपने क्या करा कि ये फोर्थ लग गया। अपन को क्या करना है कि इसमें एक रिटर्न स्प्रिंग लग रही है, तो लेफ्ट साइड प्रेशर रखते हुए ही पीछे लेना है। तो ये सेकंड लगा है, ठीक है। अभी थर्ड लगाओ, ये थर्ड है। फोर्थ लगाओ, सीधा पीछे अपने एक्सिस पे ही, अपने एक्स पे ही लेना है सीधा। थर्ड के सामने फोर्थ है, समझ रहे हो? ये थर्ड है ना। और सीधा का सीधा एज इट इज अपन को फोर्थ ले लेना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, ठीक है। अभी फिफ्थ गियर लगाओ, पूरा राइट लेके और ये आ गया, है ना? ठीक है। अभी रिवर्स लगाएंगे फिफ्थ से निकाल के, फिफ्थ के सामने ही रिवर्स है, तो राइट करके और पीछे करेंगे तो ये रिवर्स गियर हो गया, ठीक है। अभी न्यूट्रल कर लो, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया, ऐसे ही ला के देख लेंगे, राइट लेफ्ट मूव कर रहा है इस सेंटर वाली लेन में, मिडल लेन में, तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। अभी क्लच छोड़ दो आप। फिर बात आती है, नीचे 3 पेडल्स हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ठीक है। ठीक है, अभी ये हैंड ब्रेक होता है, हैंड ब्रेक मतलब पार्किंग ब्रेक। जब भी हम रोक के खड़े हैं तो हमें इसको ऊपर कर लेना है, चलते वक्त अपन इसको ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे कर लेंगे, ठीक है। ये स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील को हम कैसे होल्ड करेंगे? क्लॉक में 9 और 3 बज रहे हैं, जैसे होल्ड करके दिखाऊं, ठीक है, है ना? 9 इधर 3 उधर, ये राइट लेफ्ट लेने के लिए काम में आ रहा है स्टीयरिंग को, हम दाएं बाएं घुमाने के लिए। वो इंडिकेटर स्विच है, इंडिकेटर राइट के लिए जला के बताओ नीचे, ठीक है। नीचे करेंगे तो राइट, ऊपर करेंगे तो लेफ्ट, मिडल में ऑफ है, ठीक है। चलती गाड़ी में ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, नहीं होता है तो अपन मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी गाड़ी चलाने के लिए प्रीसेंस बहुत जरूरी है, पूर्वानुमान कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे, अगला कितनी देर में पहुंचेगा, है ना। वो पहले पहुंच रहा है, हम पहले पहुंच रहे हैं, उसकी स्पीड क्या है, हमारी स्पीड क्या है, वो ये एक जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस जजमेंट के आधार पर गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ट्रैफिक सेंस, लोगों को गाड़ी चलानी आती है लेकिन क्या है, ट्रैफिक सेंस की वजह से वो टकरा जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कब मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, राइट टर्न लंबा लेना है, लेफ्ट टर्न नज़दीक से लेना है, कहाँ पे रोड में इंक्लूड होते वक्त इंडिकेटर दे के शामिल होना है, तो कब रुकना है, कब चलना है, ठीक है। ठीक है, अभी इंजन स्टार्ट करो आप, बिल्कुल उधर चाबी है उसको, ये एक बार और बस छोड़ दो, ठीक है। इंजन स्टार्ट हो गया है, तो अभी क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाओ लेफ्ट करके और आगे, हैंड ब्रेक डाउन करो, बिल्कुल ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे। अभी राइट साइड व्यू मिरर में देखो, गाड़ी चलाने से पहले मिरर्स भी सेट ऑलरेडी है हमारे, सीट भी आपने ऑलरेडी सेट कर ली है। तो अभी हल्का सा फर्स्ट गियर में क्या है, एक्सीलेटर देके फिर क्लच छोड़ेंगे धीरे धीरे, तो हल्का सा एक्सीलेटर ले और क्लच छोड़ो। हाँ बिल्कुल, क्लच को स्लोली स्लोली जहाँ पे गाड़ी मूव करती है वहीं होल्ड कर लेंगे क्लच को, ठीक है, बिल्कुल। अभी राइट इंडिकेटर जलाओ नीचे, राइट टर्न लेंगे अपन, खड्डा है थोड़ा बचा लेंगे इसको। एक्सीलेटर मत दो, स्पीड ब्रेकर भी, क्लच रिलीज कर दो, अपने रियर व्हील क्रॉस होगा तो लेंगे एक्सीलेटर। हाँ राइट लंबा लेते हैं आने वाले के लिए, जगह छोड़ के और दोनों तरफ देख के टर्न करो और करो। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब रिटर्न करने लग जाओ क्विकली, हाँ जैसे जैसे गाड़ी सीधी हो रही है। हाँ और करो रिटर्न, और करो, सीधी नहीं हुई अभी, अब अपनी गाड़ी स्ट्रेट है, ठीक है। अब अपन चल सकते हैं, एक्सीलेटर ले और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। हाँ अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, सेकंड गियर लगाओ अपने, ठीक है। फोर्थ लगा दिए ही है अपन को ऐसे करके, ठीक है। अब क्लच छोड़ो पूरा, बम्पी रोड है, थोड़े खड्डे वगैरह हैं, तो हम आराम से स्लो ही स्पीड स्लो कर लो ताकि गाड़ी उछले नहीं, अपने को इससे झटकों से बचना है। तो गाड़ी में टीयर एंड वियर ना बढ़े, क्लच छोड़ो,
अब मूव कर सकते हैं 30 स्पीड पे अपन, बिल्कुल हाँ सही है। थोड़ा अभी खड्डे हैं तो राइट से लेंगे, इन पेडेस्ट्रियन को भी बचाते हैं। अब क्लच छोड़ दो पूरा और बड़ा, अभी राइट टर्न लेंगे अपन, जैसे रोड टर्न हो रही है उसके अकॉर्डिंग आराम से। एक्सीलेटर छोड़ो धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, बिल्कुल हाँ। रोटेट करो स्टेयरिंग, खड्डा है गहरा है, बचा लेंगे थोड़ा। फिर लेफ्ट टर्न लेंगे, जैसे रोड टर्न हो रही है इंडिकेटर जलाओ ऊपर करो, ठीक है। अभी टर्न करो और टर्न करो और करो, रिटर्न करो। देखो इनके पीछे से बैक साइड से हॉर्न भी देंगे इनको। अब चलो, अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, थर्ड गियर लगा लेंगे अपन, सही है। अभी क्लच छोड़ो पूरा, फिर चलो। आगे कट वगैरह आ रहे हैं तो ज्यादा स्पीड भी नहीं बढ़ाएंगे अपन। अभी कट वगैरह है तो यहाँ पे अलर्ट रहेंगे, ब्लाइंड है टर्न भी तो हॉर्न दो, सही है। गाड़ी चलाने के लिए फ्रेंड्स पेशेंस बहुत जरूरी है, गाड़ी को हमेशा जल्दीबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से धीरे धीरे ड्राइव करनी है गाड़ी को। अभी आगे स्पीड ब्रेकर वगैरह भी आएंगे तो क्लच दबा लो फॉर्म ब्रेक पे। तो ब्रेक लगाने से पहले बिफोर ब्रेकिंग क्लच दबाना है अपन को, फिर ब्रेक लगाना है। बिल्कुल स्पीड ब्रेकर है तो धीरे कर लेंगे, रियर व्हील क्रॉस होगा। अभी गियर भी डाउन करो, ब्रेक छोड़ो, थर्ड से सेकंड लगेगा, अब तो फर्स्ट ही आएगा। ज़्यादा स्लो होगी ना, 0 to 10 आ गई निडल इसलिए, बिल्कुल। अभी एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, सेकंड लगाओ लेफ्ट करके, फोर्थ लगा रहे हो लूज ग्रिप से, हाँ। अब क्लच छोड़ो पूरा, अब चलो आप एक्सीलेटर लेते हुए, सही है, निकल जाएगी इजीली। अभी एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, थर्ड गियर लगाओ आगे की ओर, सही है। क्लच छोड़ के फिर चलें, पूरा रिलीज करो क्लच पेडल को। बिल्कुल सही है, लेफ्ट टर्न लेंगे। लेफ्ट टर्न की पॉलिसी क्या है कि नज़दीक से लेते हैं लेफ्ट टर्न हमेशा, तो क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे ले लो, सही है। लेफ्ट साइड भी मिरर में देखेंगे भी, सही है। रोटेट करो स्टीयरिंग और करो और करो और करो, सही है। अभी रिटर्न करो, इतना ही। अभी ब्रेक फ्री करो, फर्स्ट गियर लगाओ लेफ्ट, हाँ थर्ड से, बिल्कुल। अभी एक्सीलेटर नहीं, पाम ब्रेक पे आप ले लो एक्सीलेटर, दे के धीरे धीरे छोड़ो, बिल्कुल आराम से, हाँ। राइट लेंगे अपन, ठीक है, उधर देखते हुए। अभी एक बार लेफ्ट भी देखेंगे, चलो चलो, गाड़ी आ रही है, बिल्कुल हाँ। अब चलो सही है, फिर स्ट्रेट कर लेंगे और बढ़ाओ एक्सीलेटर। अभी एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, सेकंड गियर लगा लो। फर्स्ट में है ना अपन ने, गायें वगैरह आ गई थी तो हमने स्लो कर ली, स्लो कर ली तो फर्स्ट गियर लग गया। अब तो फर्स्ट से सेकंड आ जाएगा, फिर अबाउट 20 जा रही है तो एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ और सेकंड लगाओ, थर्ड सॉरी, चलो क्लच छोड़ के फिर लो, सही है बिल्कुल। जब भी हम क्लच दबाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो हमें क्या करना है, ब्रेक लगाने से पहले हमें क्लच दबा लेना है ताकि गाड़ी का इंजन बंद ना हो। अगर हम थर्ड गियर में है, फोर्थ गियर में है, तो हमें क्लच दबा के ही ब्रेक लगाना है। मतलब पहले ब्रेक भी लगा सकते हो, अगर थर्ड फोर्थ गियर में हो तो पहले ब्रेक लगा लो हल्के से, जब वो स्लो होने वाली हो तो फिर क्लच दबा लो, और अगर फर्स्ट गियर में हो तो पहले क्लच दबाना है फिर ब्रेक लगाना है आपको। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, ठीक है, और लेते रहो। इधर ले लेंगे इसको सेंटर में खड्डे को,
पीछे भी साइड व्यू मिरर्स में भी देखते रहो थोड़ी थोड़ी देर में। सही है, क्लच छोड़ दो, फ्लैट है सरफेस, इजी गोइंग है, निकल जाएंगे आराम से। और ब्रेकर को कैसे क्रॉस करना है, जब हमारे रियर व्हील क्रॉस हो जाए तो हमें क्लच को रिलीज करना है फिर चलना है। ऐसे नहीं कि फ्रंट व्हील क्रॉस होती है हमने क्लच छोड़ दिया और फिर लेने लग गए। और जितने भी ब्लाइंड टर्न्स होते हैं उन पे हमें हॉर्न ज़रूर देना है, क्योंकि गाड़ी नहीं दिखेगी लेकिन हॉर्न की आवाज़ अपोजिट साइड पहुँच जाएगी, उससे अगले को हिंट मिल जाएगा कि हाँ भाई कोई गाड़ी है राइट लेते हुए। सही, थोड़ा आपकी साइड ही खड्डा है, स्लो कर लो, एक्सीलेटर छोड़ दो, अब चलो और बढ़ाओ, सीधी रखते हुए पीछे देखो साइड व्यू मिरर में बाइक है। ऑन देते हुए बस पीछे नहीं आ रहा है। ऑन देंगे साइड के लिए, बिल्कुल आ रहा, प्लस दबा के ब्रेकिंग स्लोली से। अभी सेकंड गियर लगाओ, डाउन करो थर्ड से, अब क्लच छोड़ो पूरा, अब चलो, अब लो एक्सीलेटर। और बढ़ा लो स्पीड, अभी एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, थर्ड लगा लो वापस से, चलो पूरा क्लच रिलीज करके फिर चलें। आगे क्रॉसिंग वगैरह है सेफ्टी के साथ, बिल्कुल सही है। अभी पीछे एक और गाड़ी है, अभी साइड नहीं देंगे अभी, चलो दे ही दो, है स्पेस, लेफ्ट कर लो अपनी, राइट से वो निकल जाएगी। सही है, अभी आगे से यू टर्न लेंगे। तो यू टर्न कैसे लेते हैं, तो अभी हाँ सबसे पहले तो हमें इंडिकेटर ऑन करना है, जो हमने कर लिया, जब हमारा फ्रंट रो क्रॉस कर जाएगा ड्राइवर सीट डिवाइडर के कोने को आगे वाले से लेंगे, है ना, तो हम पूरा रोटेट करेंगे, ठीक है, लेकिन टर्न करके सीधी करना आगे से लेंगे। फर्स्ट गियर लगाओ थर्ड से, बिल्कुल अभी आराम से, राइट इंडिकेटर ऑन है। अभी ये जो डिवाइडर का कोना है ये हमारे फ्रंट डोर को क्रॉस कर जाएगा, तो हम रोटेट करेंगे। हाँ बिल्कुल कर गया, आप पूरी घुमाओ, पूरी पूरी टर्न करो, पूरी रोटेट करो, पूरी जितनी है पूरी स्टेयरिंग एंड तक, ठीक है। अभी एक्सीलेटर देके धीरे धीरे क्लच छोड़ो, है ना, और रिटर्न के लिए रेडी रहना स्टेयरिंग को रिटर्न करने के लिए। अभी रुको, वेट करो, गाड़ी का फेस प्रॉपर सीधा होने दो, आप करो क्विकली करो, बिल्कुल हाँ अब चलो, है ना। और पीछे देख लो कि क्या सिचुएशन है, यू टर्न लेते पीछे मिरर में नोटिस कर लेना है कि भाई क्या सिचुएशन है, ठीक है। अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, सेकंड लेफ्ट करके और पीछे, अब क्लच छोड़ो पूरा फिर चलो एक्सीलेटर लेते हुए, और बढ़ा लो। सही है, अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, थर्ड लगा लो, और साइड व्यू मिरर में देखो एक बाइक वाला है ना, बिल्कुल उसको स्पेस दे दो, मेरी तरफ भी देखो, लेफ्ट साइड भी दोनों तरफ है, बिल्कुल चलो, प्लस थोड़ा और रिलीज करो, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबा लेना बेल आइकन का, और आपको मेरे से बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ओके।